मनु वाकर ने जो है बहुत ही अद्वितीय जो उपलब्धि करी है। हमें आशा तो गोल्ड मेडल की थी सर, लेकिन फिर भी बड़ी खुशी है। कहीं ना कहीं पहली महिला है जो मेडल लेकर। हाँ जी बिल्कुल, यंगेस्ट महिला, पहली नहीं जी यंगेस्ट भी है सबसे। 22 साल की उम्र में ओलंपिक में दो बार ये गई है। पिछली बार भी जैसे ओलंपिक में ये जो यहाँ क्या नाम है टोक्यो में था, उसमें भी पिस्टल में खराबी आने की वजह से रह गई थी, नहीं तो वहाँ भी मेडल पक्का था, क्योंकि तो बड़ी हार्डवर्किंग तो, है सर। अभी तो दो बार दो टूर्नामेंट और रह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, तो इसके लिए क्या उम्मीद रखते हैं? अभी उम्मीद ये है जी, जैसे ये टीम इवेंट है, एक सिंगल का भी है, उसमें तो उम्मीद ये है कि जरूर जीतेगी, गोल्ड लेकर आएगी। किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा जी, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। की उम्मीद थी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा, क्या कहेंगे? ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है, ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। गोल्ड, वैसे तो गोल्डन गर्ल है, गोल्डन की हम उम्मीद कर रहे थे, बट इट इज़ स्टिल अ गुड मैटर। नहीं, अभी तो दो टूर्नामेंट और शेष बचे हैं, अभी इतने इस तरह से हिम्मत आने से क्या बात बनेगी? डेफिनेटली सी विल बी द चैंपियन एंड सी विल गेट द गोल्ड मेडल। पहली महिला है जो मेडल लेकर आई है एयर पिस्टल में, ओलंपिक का तो ये पहला है, शूटिंग में महिला में पहला है, बहुत अच्छा है। और सारे परिवार वाले आप देख रहे हो, सारे गांव में बड़ी खुशी है, सारे स्कूल में खुशी है, सारे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा लग रहा है। और आने वाले दोनों गोल्ड मेडल जीतेंगे। मैं मनु का अंकल लगता हूँ। ये तो आप सारे देख ही रहे हो, ये शब्द में बयान नहीं की जा सकती, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।